दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवाजी एस्ट्रोलॉजी में। 14 अक्टूबर को भयंकर सूर्य ग्रहण, 6 राशि वालों की किस्मत चमकेगी सूर्य के समान। इन 6 राशि वालों को करोड़पति बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। दोस्तों साल का अंतिम सूर्य ग्रहण दिलाएगा अपार धन और खुलेंगे इन 6 राशि वालों के किस्मत के द्वार। धन संपदा बढ़ेगी बेशुमार। दोस्तों क्या आपकी भी राशि इसमें शामिल है? क्या आप भी मालामाल बनने वाले हैं? जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और अगर आप भी दोस्तों भगवान सूर्य की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। दोस्तों साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर दिन शनिवार को लगने वाला है। दिवाली के आसपास के समय में पड़ने के कारण इसे दुर्लभ और खास माना जा रहा है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि सूर्य ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ता है। साधारण शब्दों में कहें तो कभी कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी रुक जाती है और धरती पर कुछ समय के लिए साया फैल जाता है। इसीलिए खगोली घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन घटित होता है, लेकिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण का असर पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है। इस घटना को नकारात्मक प्रभाव देने वाली अवधि माना गया है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण को देश के अधिकांश हिस्सों में देखा जा सकेगा। ये ग्रहण 14 अक्टूबर को 8:34 पर शुरू होगा और 2:28 पर समाप्त हो जाएगा। इसे भारत के अलावा यूरोप, अफ्रीका, महाद्वीप का उत्तरी पूर्वी भाग, एशिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग और अटलांटिक में भी देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है और ग्रहण खत्म होने के बाद ही समाप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में कोई भी शुभ या मंगल कार्य नहीं किया जाता। ग्रहण काल से पहले भोजन में हमेशा तुलसी के पत्ते डाल दें। इस दौरान तुलसी के पौधे को छूना भी नहीं चाहिए। सूतक काल के दौरान भोजन बनाने और खाने दोनों से परहेज करना चाहिए। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कई सावधानियां बरतनी चाहिए क्योंकि इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को घर से बाहर ना निकलें और ना ही छुरी, कैंची, चाकू, नुकीली चीज़ों का उपयोग करें। धार्मिक दृष्टिकोण से सूतक काल के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श करना बेहद अशुभ माना जाता है। इस दौरान मल मूत्र विसर्जन यानी कि शौच जाने की भी मनाही होती है, इसलिए इस अवधि के दौरान इन कार्यों को करने से बचें। साथ ही इस समय दांतों की सफाई और बालों में कंघी करने से बचें। सूर्य ग्रहण के समय मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जय श्री कृष्ण मंत्र का जाप करें। ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद तुरंत बाद शरीर को शुद्ध जरूर करें। घर के मुख्य द्वार में घर के कोने कोने पर गंगा जल का छिड़काव करें। ग्रहण के बाद स्नान करें और पूजा स्थल की सफाई के साथ साथ देवी देवताओं की मूर्तियों को भी गंगा जल से शुद्धिकरण करें। इसके अलावा ईश्वर की आराधना ध्यान करते हुए दान पुण्य करें। पूजा में सूर्यदेव की आराधना जरूर करें। अंत में ग्रहण काल की समाप्ति के बाद ताज़ा भोजन ही बनाएं। दिवाली पूजा पर इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन साल का यह अंतिम सूर्य ग्रहण कुछ राशि वालों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसका प्रभाव मौसम सहित राजनीति पर भी दिखेगा। इस ग्रहण का सभी 12 राशियों पर प्रभाव दिखेगा, तो ग्रहण के दौरान कुछ राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है और कुछ राशि के जातक धन दौलत पाकर मालामाल बनने वाले हैं। इस सूर्य ग्रहण का शुभ प्रभाव कुल 6 राशि वाले जातकों को मिलेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ साथ अपार धन लाभ इन्हें संभव है। इनमें से कोई लखपति तो कोई करोड़पति बनना तो तय है। जानते हैं उन राशियों के बारे में। दोस्तों सबसे पहली और खुशकिस्मत राशि है मेष राशि। 14 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा और यह ग्रहण मेष राशि वालों के लिए बेहद ही शुभकारी साबित होने वाला है। इस दौरान इन जातकों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी, साथ ही अपार धन प्राप्ति के योग हैं।
आपको इस समय में आकस्मिक धन मिलने की संभावना है। पैतृक संपत्ति मिल सकती है या कहीं पहले निवेश किया है उसका लाभ आपको मिल सकता है। लॉटरी भी लग सकती है, बोनस मिल सकता है, कहीं ना कहीं से धन मिलना आपको आसान मिलेगा। कितना वो आप के ऊपर कर्म तय करेगा, यानी आपको मिलेगा धन लेकिन कितना मिलेगा ये आपके कर्म और भाग्य तय करेंगे, कह नहीं सकते। अटके हुए पैसे भी वापस मिल सकते हैं, रुके हुए कार बन सकते हैं, आसपास के रिश्तेदारों की शादी तय हो सकती है, घर का माहौल खुशनुमा रहेगा, धार्मिक अनुष्ठान के कार्य भी होंगे, बच्चों के प्रति आपका संवेदनशील होंगे और सूर्य ग्रहण आपके लिए अर्थपूर्ण तरीके से लाभकारी साबित होगा। इस दरमियान सूर्य की उपासना अवश्य करें। दोस्तों, दूसरी भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। सूर्य ग्रहण कुंभ राशि के लिए शुभकारी साबित होगा। इनके व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी, धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, कई बड़े क्षेत्रों से इनको धन का लाभ मिलेगा, लगातार आमदनी बढ़ने के योग बन रहे हैं। खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन जरूरत पैसों की पड़ रही है तो आपको अचानक से कहीं से धन का भी लाभ हो सकता है, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत या सुधारने में काफ़ी अहम साबित होगा। आप अपने जीवन में सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। बता दें कि कुंभ राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में काफ़ी मधुरता देखने को मिलेगी, कार्यस्थल पर चल रहे वाद विवाद खत्म होंगे और आपके लिए यह महत्वपूर्ण ग्रहण रहने वाला है। अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही यह समय आपके लिए नए अवसर को लेकर आ रहा है, आपके अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा चिंतित रहना होगा। दोस्तों, वही कुछ समस्याएं जो परेशान कर रही थी वो दूर होंगी और आप अपने नए कार्यों का लाभ होगा, पिताजी का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। अगली जो राशि आती है तीसरी, वो है मिथुन राशि। बता दें कि मिथुन राशि के जातकों, इसमें आपको धन से संबंधित किसी चीज़ में लाभ होने वाला है। अगर आप पैसों को कहीं पर लगाते हैं, जैसे कि लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में, तो आपको डबल मुनाफा मिलेगा। साथ ही दोस्तों, आपकी आमदनी डबल मुनाफे में तब्दील हो जाएगी और किसी से मनमुटाव चल रहा है तो आपके रिश्ते टूट सकते हैं, परिवार के लोगों का भी ध्यान आपके ऊपर रहेगा, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, समझने का प्रयास करें। और सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपकी वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार का बदलाव या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना अगर करना पड़ रहा है तो आपको ध्यान देना होगा। इसमें आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और विशेष रूप से ध्यान रखें। अब अगली चौथी जो राशि आती है दोस्तों, वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों को संतान को लेकर जो चिंताएं थी वो दूर होंगी, मन प्रसन्न रहेगा और पति पत्नी के बीच वाद संवाद अगर नहीं था तो वाद संवाद होगा और वरिष्ठ अधिकारी या फिर जिन लोगों से प्रोफेशनल संबंध है उनके साथ आपके करीबी रिश्ते अच्छे रहेंगे। संतान के पराक्रम से भी आप बेहद खुश नजर आएंगे। संतान की तरक्की से भी आपके लिए यह ग्रहण काफ़ी अच्छा रहने वाला है, शुभ साबित होने वाला है। आपको ये ग्रहण धन संबंधित कई चीज़ों में मुनाफा देगा, यहाँ तक कि गुप्त धन आपको दिला सकता है। कई बड़े प्रोजेक्टों पर भी काम आपको मिलेगा, धन के चलते कई बड़े क्षेत्रों से लाभ होगा, करोड़पति बनने के कई सुनहरे मौके मिलेंगे। बता दें कि इसमें आप सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, धन ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा और अभी तक अगर कोई कार्य नहीं बना तो कार्य बनता हुआ नजर आएगा। अब अगली चौथी राशि है दोस्तों, बता दें पांचवी राशि, वो है यहाँ पर मीन राशि। मीन राशि के जातकों, इनकम बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा, तरक्की से भी आपका मन प्रसन्न रहेगा, धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि और दौलत में वृद्धि करने का योग बन रहा है। दोस्तों, बता दें कि आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, धन कमा पाएंगे और धन दौलत में वृद्धि तेजी से अर्जित करने का मौका मिलेगा। इसमें मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, मित्र जनों के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, किसी करीबी मित्र का भी सहयोग प्राप्त होगा, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कई प्रकार के शुभ कार्य करने की कोशिश भी कर सकते हैं, जो कोशिशें आपकी रंग ला सकेगी। बता दें कि इसमें बैंक से लोन वगैरह मंजूर हो सकते हैं, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके कार्यों की प्रशंसा की जाएगी, पुराने मित्र से फिर से मेल मिलाप कर सकते हैं, यानी कि ये मुलाकात आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। कई बड़े क्षेत्रों से लाभ होगा, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, मनचाही सफलताएँ प्राप्त होंगी, धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं, लगातार आमदनी बढ़ने से मन काफ़ी प्रसन्न हो रहा है। जमीन जायदाद और राजनीति से जुड़े लोगों को लाभ होने का संभावना 100% बढ़ने की संभावना बढ़ रही है। अब अगली छठवीं राशि आती है दोस्तों,
वो है यहाँ पर मकर राशि। मकर राशि को इनकम बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही साथ बता दें कि इसमें प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। कई बड़े क्षेत्रों से लाभ होगा। घर परिवार के लिए आप समय निकाल पाएंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और किसी पार्टी या समारोह में आप भाग ले सकते हैं। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और साथ ही साथ कार्यस्थल पर चल रही समस्याएं दूर होंगी और कुछ महत्वपूर्ण आप निर्णय और कुछ महत्वपूर्ण आप यानी कि लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन तो वहीं बिजनेस व्यापार में रुका वो फंसा हुआ धन प्राप्त करेंगे। बैंक से लोन वगैरह मंजूर हो सकते हैं जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को काफ़ी सुधारने में मदद करेंगे। कई ऐसे भी कार्य पूरे होंगे जो काफ़ी दिनों से अधूरे थे, पेंडिंग थे। तो दोस्तों इनमें से अगर बात करें तो वृषभ राशि के जातकों को भी थोड़ी बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो वहीं कर्क राशि के जातकों लेन देन ना करें और किसी के बहकावे में आकर कहीं पर भी धन इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो नुकसान भी होगा। दोस्तों इस बार के सूर्य ग्रहण पर कई ग्रहों की वक्री अवस्था रहेगी, तो कई ग्रहों के बेहतरीन राजयोग और धनयोग का निर्माण भी कर रहे हैं जो कि इन छह राशि वाले जातकों के लिए बेशुमार धन दौलत में वृद्धि करने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी अपनी राशि का हाल जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि का नाम जरूर लिख दें। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय सूर्यदेव।